फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत से मक्का निर्यात में तेजी देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में मक्के में 28.5% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण मक्का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इसका फायदा सबसे अधिक बिहार के किसानों को होगा। कुल मक्का उत्पादन में बिहार का हिस्सा पूरे देश भर में करीब 25% का है। देश के कई राज्यों और किसान भी बड़े पैमान पर मक्के की खेती करते हैं। निर्यात में बढ़ोतरी से किसानों को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान देश से मक्का निर्यात 28.5% बढ़कर 28.5% बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मक्का निर्यात 63.48 करोड़ डॉलर रहा था। बांग्लादेश और नेपाल भारतीय मक्के के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं। 10 महीने में बांग्लादेश ने भारत से 34.55 करोड़ डॉलर के मक्के का आयात किया। नेपाल का आयात इस दौरान 13.21 करोड़ डॉलर रहा। मक्के के अन्य प्रमुख आयातकों में वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान और ओमान शामिल हैं। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में मक्के का उत्पादन पूरे साल होता है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। इस सत्र में मक्के के 85% क्षेत्र में खेती होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। अनाज की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात करते हैं। इसमें गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी तेल जैसे उत्पाद प्रमुख हैं। अगर मक्का निर्यात की बात करें तो दोनों देशों का वैश्विक शेयर 19.5% है। आवाजाही पर असर पड़ने के कारण भारत के पास निर्यात के बेहतर मौके हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लाई चेन प्रभावित होने से अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका लाभ लेने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। वहीं इससे सरकार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल निर्यात के लिए व्यापारी ऊंचे दाम पर अनाज की बड़ी मात्रा में खरीद करेंगे। अगर किसानों को MSP से अधिक भाव मिलेगा तो वे सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज की बिक्री करने के बजाय खुले बाजार में बेचेंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकार को MSP पर उपज की कम खरीद करनी पड़ेगी। इसका सीधा मतलब हुआ कि सरकारी खजाने से कम व्यय होगा। 2021-22 के लिए मक्के का MSP 1870 प्रति क्विंटल है। 2020-21 के मुकाबले कुल 20 रुपए की बढ़ोतरी सरकार ने मक्के की MSP में की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।